खबर नवादा जिले के रजौली से है, जहां अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष रजौली दक्षिणी जिला परिषद सदस्य मेवा लाल राजवंशी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा तथा मनरेगा मजदूर सभा ने एक मार्च निकाला। मार्च में शामिल सैकड़ों मजदूर अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते हुए मेन रोड से गुजरते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने लगभग एक घंटे प्रदर्शन के बाद 8 सूत्रीय मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य कुमार पीयूष को सौंपा। खेत ग्रामस्थ मेवालाल राजवंशी ने बताया कि विधानसभा सत्र के दरमियान सरकारी प्रचारधारियों का दखल देहानी सभी भूमिहीनों के 5 डिसमिल जमीन पक्का मकान सर्वे के आधार पर नया आवास कानून बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा, ताकि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। आज अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। भाकपा माले के जनसंगठन है और रजौली सिर्फ नहीं, आज जो है पूरे राज्य में अनुमंडल कार्यालय के समक्ष जो है धरना दिया जा रहा है। जो बसे हुए गरीब हैं उनको 5 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया जाए और मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी किया जाए, न्यूनतम मजदूरी 600 रुपया दिया जाए और जल जीवन हरियाली के नाम पर आहार पोखर पर बसे हुए पुनर्वास में बसे हुए लोगों को बुलडोजर चलाने के जो काम किया गया है, इसका विरोध में वो तमाम लोग जो हैं जो बसे हुए हैं वो तमाम लोगों को पर्चा दिया जाए और सिर्फ जो है सरकार उदाई यहाँ के पदाधिकारी उदाहरण देते हैं कि न्यायालय के मामला है, न्यायालय ने ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए एक भी जो है गरीब लोगों को बसे हुए लोगों को उजाड़ा नहीं जाए। ये सवाल को लेकर आज हम लोग जो है धरना दिए हुए हैं, एक दिवसीय धरना है और आप देखिएगा कि नारा जो है हमारी पार्टी ने दिया है सामाजिक न्याय के 3 आधार, शिक्षा रोजगार भूमि सुधार के बिना सामाजिक न्याय धोखा है। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष और रजौली दक्षिणी जिला परिषद सदस्य हूँ, मेरा नाम मेवालाल राजवंशी। नवादा से सनोज कुमार संगम की रिपोर्ट।